हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे, यानी जो एग्जाम देते समय आप कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आपका। ठीक, आप अपने जो टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि टाइम तो आपका लिमिटेड होता है 3 घंटे का आपका नीट में आपका। ठीक, उसी 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तो आप कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, चाहे नीट हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, A to Z आपका ISPCS, चाहे आपका सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी, आपको ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सको, टाइम आपका बचा सको। उसके लिए क्या करना होता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस समय आप क्या कीजिए, उस समय आप एक कॉपी ले लीजिए आपका, जिसमें मतलब जो आपने देखा होगा जो शीट रहती है आपकी OMR शीट, वो आप खरीद लीजिए मार्केट से 1 रुपए की, और उसकी कई सारी कॉपीज बना लीजिए। फिर आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस पेपर पे आप सॉल्व कीजिए, आप उसी OMR शीट पे लगाइए आप। ठीक, उसमें क्या कीजिए, उस समय आप अपने मोबाइल में टाइमर सेट कर लीजिए, टाइमर सेट यानी कि आप सेट कर लीजिए कि हमको 60 मिनट में हमको 70 या 80 क्वेश्चन करने हैं आपको। फिर आप उस हिसाब से देखिए कि आप 1 घंटे में आप, यानी 1 घंटे में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वैसे वैसे चांस ऑफ अटेम्प्शन यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट का टाइम ड्यूरेशन भी क्या होगा आपका, बढ़ता चला जाएगा, और आपकी जो टाइम ड्यूरेशन भी है वो भी क्या होगी, अटेम्प्ट करने की टाइम ड्यूरेशन आपकी कम होती चली जाएगी आपका। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप आराम से आपका इंक्रीज कर सकते हैं धीमे धीमे आपका। ठीक, तो गाइस इस स्टेप को बड़े ध्यान से फॉलो कीजिएगा, और जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग अभी नॉर्मली ऐसी क्वेश्चन पीसेस देख के लगा लेते हैं, वो लोग इस बात का ध्यान रखें, अगर OMR सीट नहीं ले पा रहे तो एक आप रफ पेपर लीजिए, उसमें आप क्वेश्चन नंबर बन डालिए, उसके सामने A B आप इस तरह से लिखना स्टार्ट कर दीजिए आपका। लेकिन टाइमर जरूर सेट करके लगाइए, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें टाइमर सेट करके रखें आप कि 1 घंटे में हम या इतने मिनट में हम इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उस हिसाब से फिर आपका ये सेटल हुआ। तो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही।